नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं RAS मेंस का जो पेपर हुआ था 26 जून 2019 को पेपर नंबर 3 हुआ था, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। दोस्तों, यदि आप RAS की तैयारी करने की सोच रहे हैं या RAS का पेपर आपने दिया है या अन्य किसी भी राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए दोस्तों ये जो प्रश्न है पेपर में आए हुए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्न आप देख लें जिससे आपकी तैयारी आगे से आगे इम्प्रूव हो सके, तो आप अच्छी तैयारी कर सकें। दोस्तों, पेपर नंबर जो 3 आया था वह आया था जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज के बारे में। इसमें टोटल दोस्तों 48 क्वेश्चन आए थे और 200 नंबर का ये था। अब चर्चा करते हैं फर्स्ट यूनिट के बारे में। फर्स्ट यूनिट दोस्तों 75 नंबर की थी, उसमें भी पार्ट ए है या पार्ट ए है यह 10 नंबर का था। तो पार्ट ए में दोस्तों प्रत्येक प्रश्न है 2 अंक का तथा प्रत्येक प्रश्नों के जो उत्तर है वह 15-15 शब्दों में इनके आंसर देने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि RAS के पुराने पेपर यदि आपने नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप RAS के जितने भी पेपर हैं पुराने पेपर में डाल रखे हैं वो सारे पेपर आप देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला जो क्वेश्चन आया था वह क्वेश्चन था उद्देश्य प्रस्ताव में प्रत्याभूत स्वतंत्रता के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए, तो इसका उल्लेख आपको करना था। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, तो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें जिससे सभी तक ये जानकारी पहुंच पाए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का सा बना हुआ है उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके, तो RAS से संबंधित सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह दोस्तों अनुच्छेद 352 एवं अनुच्छेद 356 के मध्य सेतु के रूप में अनुच्छेद 355 की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, तो ये 15 शब्दों में इसका आंसर आपको देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी के भी विरुद्ध प्रकरण का अन्वेषण कर सकता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं मैं कि मैं इसमें सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन RAS मेन में आए थे सभी क्वेश्चन बोल के आपको बताऊंगा, आंसर आपको अपने हिसाब से तैयार करने होंगे, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कोई भी गलत जानकारी उपलब्ध करवा दूं। इसलिए RAS मेंस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। यदि आपको इसकी PDF के रूप में क्वेश्चन पेपर चाहिए तो नीचे दोस्तों मेरा कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर कमेंट करके आप या मैसेज लिख के आप मंगवा सकते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है ऑपरेशन एडवरिंग फ्रीडम को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है अन्ना राजम मल्होत्रा कौन थी तथा हाल ही में वे समाचारों में क्यों थी, इसके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में उपबंधित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के निहितार्थों को स्पष्ट करें, तो इसका आंसर दोस्तों को 50 शब्दों में देना था। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, ये पार्ट बी में अपन आ गए हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रपति की निर्वाचक की प्रक्रिया में कमियों का वर्णन कीजिए। अगला जो प्रश्न था वह था दोस्तों राजस्थान की राजनीतिक जनसांख्यिकी का वर्णन कीजिए, तो डेमोग्राफी ऑफ राजस्थान के बारे में आपको 50 शब्दों में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वह था जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पहलों पर भारत के रुख का विवेचन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है दक्षिण पूर्व एशिया में भारत चीन संबंधों के संयुक्त राज्य अमेरिका के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वह देखते हैं अब आगे अपन पार्ट सी में। तो पार्ट सी दोस्तों 40 नंबरों का था, तो इसमें 10 नंबरों के 4 क्वेश्चन थे और इसमें 100 शब्दों में आपको इसका आंसर देना था। तो चारों क्वेश्चन देखते हैं, यह पहला जो क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, यह दोस्तों संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय की विविध निहितार्थों को स्पष्ट करते हुए यह विवेचन कीजिए कि उन्हें मूल अधिकारों एवं राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखते हैं, तो यह क्वेश्चन दोस्तों क्या है, यह है भारत की संवैधानिक व्यवस्था में संसद एवं उच्चतम न्यायालय के मध्य सर्वसत्ता के संघर्ष को संरचनात्मक एवं परिचालनात्मक पहलुओं को विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है राजस्थान में किसी प्रभावशाली राज्य राजनीतिक दल के अभाव की परिघटना का विश्लेषण कीजिए, तो यह आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है भारत यूरोपीय संघ संबंधों पर ब्रेग्जिट के प्रभावों की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वह है दोस्तों
यूनिट सेकंड आ गई, तो यूनिट सेकंड दोस्तों कितने नंबर की है, 65 नंबर की है। इसमें पार्ट ए कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। वही 15 शब्दों में आपको आंसर देने हैं, तो वही दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, प्रशासनिक संस्कृति से आपका क्या अभिप्राय है, इसके बारे में आपको 15 शब्दों में लिखना था, 2 नंबर का यह क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिविल सेवा के मुख्य मूल्य क्या है, वैल्यू ऑफ द सिविल सर्विसेज के बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, हेनरी फियोल द्वारा दिए गए प्रबंध के 5 कार्य आपको लिखने थे। दोस्तों हम चर्चा करें आरएस मेंस का 2018 का जो पेपर हुआ 2019 में हुआ है, 26 जून 2019 को हुआ, उसका पेपर 3rd हम चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट है, नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक लिखिए। अगला क्वेश्चन था, शून्य काल क्या होता है, जीरो हावर, विधानसभा चल रही है अभी तो विधानसभा में दोस्तों शून्य जीरो हावर होता है, तो जीरो हावर क्या होता है उसके बारे में आपको बताना था। अब देखते हैं पार्ट बी के बारे में, तो यूनिट सेकंड का जो पार्ट बी है ये 25 नंबर का था, तब 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन थे, तो 50 शब्दों में आपको इसके आंसर देने होते हैं। क्वेश्चन है, न्यायिक नियंत्रण के संदर्भ में प्रतिषेध एवं परमादेश लेख में या रिट में क्या अंतर है। अगला प्रश्न है, प्रशासन की नवशास्त्रीय विचारधारा की मुख्य मान्यताओं की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है दोस्तों, लोक प्रशासन के सामाजिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है, प्रबंध का दर्शन का वर्णन कीजिए, प्रबंध के दर्शन का आपको वर्णन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में कौन से पदों एवं व्यक्तियों को छूट दी गई है, तो इसके बारे में आपको लिखना होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखते हैं, अब यूनिट सेकंड के पार्ट सी में आ गए अपने, पार्ट सी दोस्तों टोटल 30 नंबर का है, 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन इसमें होंगे, तो इसमें 3 क्वेश्चन होंगे, तो 100-100 शब्दों में इनके आंसर आपको देने होते हैं। तो क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गई गारंटी अधिनियम 2011 की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए, तो 100 शब्दों में इसकी पूरी विवेचना आपको करनी होती है। अगला जो क्वेश्चन है वह है दोस्तों, अध्यादेश प्रख्यापित करने के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रशासन में सचेतता बढ़ाने के लिए अपनाए गए उपायों को समझाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला दोस्तों जो क्वेश्चन आ गया यूनिट अपनी 3rd आ गई, यूनिट 3rd है ये, टोटल 20 नंबर की है, तो इसमें पार्ट ए है या पार्ट ए है ये 10 नंबर का है, तो इसमें 15-15 शब्दों में इसके आंसर देने हैं, तो 2-2 नंबर के इसमें 5 क्वेश्चन अपन पार्ट ए में देखेंगे, फिर पार्ट बी चर्चा करेंगे। तो पार्ट ए में दोस्तों जो है ये पहला क्वेश्चन था, खेलों में वशिष्ठ अवार्ड पर टिप्पणी लिखिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है दोस्तों, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सदस्यों का पदानुक्रम बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वह है दोस्तों, अपूर्वा चंदेला की उपलब्धियों को लिखिए। अपूर्वी चंदेला जो भारतीय तीरंदाज हैं, उनके जो उपलब्धि है उनके बारे में आपको लिखना था। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के संदर्भ में बताइए, तो इसके बारे में आपको बताना था। अगला जो क्वेश्चन है वह है, मानव ठक्कर की खेलों में उपलब्धियों को लिखिए, तो ये 10 नंबर के पढ़ने कर लिए। अब चर्चा करते हैं दोस्तों पार्ट बी के बारे में, पार्ट बी 10 नंबर का है, तब पार्ट बी में 50-50 शब्दों के आंसर देने होते हैं, तब 5-5 नंबर के दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, तो ये देखते हैं। ये हो गया 6 नंबर का क्वेश्चन जो आ गया, वह आ गया दोस्तों, योग कर्मसु कौशलम को विस्तार से समझाइए। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं वह है दोस्तों, पीएसपीबी टेबल टेनिस अकादमी पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। तो पीएसपीबी टेबल टेनिस अकादमी पर एक लघु टिप्पणी है वह आपको लिखनी थी। अब चर्चा करते हैं यूनिट तो 3rd आ गई उसका सेक्शन बी के बारे में, तो सेक्शन बी में दोस्तों पार्ट ए आ गया, ये टोटल 20 नंबर का है, तो पार्ट सेक्शन बी में जो 10 नंबर का पार्ट ए होगा 15-15 शब्दों में आपको आंसर देने हैं, तो वही 2 अंक का एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब चर्चा करते हैं सांवेगिक बुद्धि क्या है, तो सांवेगिक इमोशनल इंटेलिजेंस सांवेगिक बुद्धि के बारे में आपको 15 शब्दों में लिखना था, 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन था वह था दोस्तों, व्यक्तित्व का भावमूलक दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में आपको लिखना था। अगला जो क्वेश्चन है वह है, स्मृति पर बार्टलेट का दृष्टिकोण क्या है, बार्टलेट का दृष्टिकोण स्मृति के बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट है, TAT में धीमा और आत्मबोधन
क्या है उसके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य अनुकूलन संलक्षण क्या है, तो इसके बारे में आपको भी 15 शब्दों में लिखना होता है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो अब देखते हैं पार्ट बी के बारे में। तो पार्ट बी में दोस्तों टोटल 10 नंबर का है, 50 शब्दों में आंसर देने होते हैं, तो प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है, तो 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत को समझाइए। तो गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत आपको 50 शब्दों में समझाना होता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, कौन से कारक सकारात्मक स्वास्थ्य तथा कुशल क्षेम को बढ़ाते हैं। तो कौन से कारक हैं जो सकारात्मक स्वास्थ्य और कुशल क्षेम को बढ़ाते हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना था। अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट आ गया यूनिट 3 का सेक्शन सी। सेक्शन सी भी 20 नंबर का है, इसमें पार्ट ए कितने नंबर का हो गया, 10 नंबर का हो गया। तो 15-15 शब्दों में इसमें आंसर देने होते हैं, तब प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का हो गया, तो 2 अंकों के 5 क्वेश्चन इसमें होंगे, फिर पार्ट बी में हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन है दोस्तों, सामंड ने अधिकार पद को किस प्रकार परिभाषित किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत अभिव्यक्ति कर्षक से क्या अभिप्राय है, उसके बारे में लिखना था। अगला जो क्वेश्चन है वह दोस्तों, उन व्यक्तियों को परिगणित कीजिए जो कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत अनुतोष हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत तृतीय पक्षकार से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को अधिनियमित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, उसके बारे में आपको बताना था। अब पार्ट बी चर्चा करते हैं। तो पार्ट बी में चर्चा करते हैं दोस्तों, टोटल 10 नंबर का है पार्ट बी, और 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें है, तब 50-50 शब्दों में आंसर आपको इसके देने होते हैं। तो क्वेश्चन जो है वह दोस्तों, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रयुक्तानुसार वार्षिक रजिस्टर की अभिव्यक्ति अधिकार अभिलेख की अभिव्यक्ति से विस्तृत है, टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह दोस्तों, राजस्थान का सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना के अधिकार का क्षेत्र क्या है, समझाइए। तो इसका 50 शब्दों में आपको आंसर देना होता है। तो ये दोस्तों, ये था पेपर 3, इसके बारे में हमने इस वीडियो में पूरी चर्चा की। तो अब दोस्तों आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो RS मेंस का जो पेपर 4th हुआ था, 4 नंबर पेपर हुआ था 26 जून को 2019 को, जो शाम के बारे में पेपर हुआ था, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसके अलावा भी और भी RS से संबंधित सारे वीडियो हम आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे, इसलिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का सा बना हुआ है, उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा लें, जिससे सारी जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।